नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं एयर नामक एक ड्रामा साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म में बताऊंगा। बिगाड़ने वाले आगे सावधान रहें और ध्यान रखें। निकट भविष्य में जैव रासायनिक हथियार एक आपदा का कारण बनते हैं जो हवा को असहनीय बना देता है। साक्षात्कार के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने सभी को आश्वासन दिया कि प्राथमिकता उनके नागरिक हैं। फिर भी पत्रकार गुप्त बंकरों के बारे में कुछ अफवाहों का उल्लेख करते रहते हैं जहां वे वैज्ञानिकों को छिपाएंगे। आखिरकार इस त्रासदी से अधिकांश मानवता का सफाया हो जाता है और देश के सबसे महत्वपूर्ण और बुद्धिमान वैज्ञानिकों को क्रायोजेनिक स्लीपेन अंडरग्राउंड बंकरों में रखा जाता है जब तक कि हवा जहरीली न हो जाए। ऐसे दर्जनों बंकर हैं और उनका रखरखाव दो इंजीनियरों द्वारा किया जाता है जो हर 6 महीने में 2 घंटे के लिए जागते हैं। इस विशेष सुविधा में इंजीनियर बाउर और कार्टराइट हैं और हमेशा बाउर ही सबसे पहले उठता है। वह थोड़ा मिचली महसूस करता है लेकिन वह जल्दी से ठीक हो जाता है। कार्टराइट के विपरीत, जो हमेशा अपने क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण बुरे सपने के साथ जागता है, बाउर अंत में उसे अपने टैंक से बाहर आने देने से पहले थोड़ी देर के लिए उसे चिढ़ाता है, जो दूसरों से अलग मॉडल है। बाद में दोनों पुरुष अपने रखरखाव कार्यों को शुरू करते हैं जिसमें कंप्यूटर पर लॉग इन करना शामिल है ताकि वे अन्य सुविधाओं को जीवित रख सकें। कार्टराइट यह देखकर खुश है कि अन्य बंकर अच्छा काम कर रहे हैं, भले ही सुविधाओं के बीच संचार संभव न हो। वे सतह पर हवा की जांच भी करते हैं लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी भी जहरीली है। उनके कमरे में उनके पुराने जीवन की तस्वीरों के साथ एक बोर्ड है और बाउर अपने दोस्तों के चेहरों पर मृत शब्द के साथ टेप लगाना पसंद करते हैं ताकि वे खुद को वहाँ की वास्तविकता याद दिला सकें। लेकिन कार्टराइट इससे नफरत करता है और हर बार टेप को हटा देता है। इंजीनियर कंप्यूटर पर जानकारी की जांच करना जारी रखते हैं और कार्टराइट चिंता करना शुरू कर देता है जब वह देखता है कि संभावित क्षति के कारण भूकंपीय गतिविधि हुई है। मई वजह बाउर सोने वालों से डरता है, इसलिए वे सहमत हैं कि कार्टराइट उन पर जांच करेगा। जबकि बाउर मरम्मत करने के लिए एक गलियारे में जाता है, कार्टराइट एक तस्वीर को देखने का मौका लेता है जिसे उसने बोर्ड के पीछे छिपाया है। केवल तभी अचानक मुड़ता है जब वह एबी को सुनता है। यह एक मतिभ्रम है, कार्टराइट के पास उस महिला के बारे में है जिसे वह प्यार करता है और जब वह अकेला होता है तो उसके साथ चैट करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती है। तस्वीर को अपनी जेब में रखने के बाद कार्टराइट सोने वालों की जांच करने जाता है और यह पता चलता है कि एबी वहां के वैज्ञानिकों में से एक है। उसका मतिभ्रम उसके टैंक के बगल में दिखाई देता है जबकि कार्टराइट निदान चलाता है और वह जोर देकर कहती है कि कार्टराइट को उसके बारे में बाउर को बताना चाहिए। लेकिन कार्टराइट का कहना है कि वह सही समय का इंतजार करेगा। उस समय बाउर उसके साथ जुड़ जाता है और सोने वालों के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है। एक बार जब वे अपने कर्तव्यों के साथ हो जाते हैं तो दोनों अपने बचे हुए मिनटों का उपयोग पुरानी टीवी रिकॉर्डिंग देखने, शतरंज खेलने के लिए करते हैं और बाउर मैनुएला के साथ डेट के लिए बाथरूम का भी उपयोग करते हैं। एबी फिर से कार्टराइट के पास जाती है, कहती है कि जब वह सो जाएगा तो वह फिर से साथ रहने के लिए उत्सुक है। हालांकि कार्टराइट घबराया हुआ है क्योंकि टैंक में प्रवेश करना उसके लिए हमेशा नरक जैसा होता है। चाहे वह कितनी भी बार पहले ही ऐसा क्यों न कर चुका हो, उसका क्लॉस्ट्रोफोबिया हमेशा ट्रिगर होता है। जैसे ही एबी उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, कार्टराइट अचानक उसके शरीर पर आग की लपटें देखता है और उसे पता चलता है कि उसके टैंक में आग लगी हुई है। वह बाउर को बुलाने के लिए दौड़ता है जो बुझाने वाले यंत्र के साथ बाथरूम से बाहर आता है। आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया है लेकिन दुख की बात है कि स्लीपिंग पॉड अब नष्ट हो गया है और बाउर ने इस प्रक्रिया में अपना हाथ घायल कर लिया है। मामले को बदतर बनाने के लिए उस समय 2 घंटे समाप्त हो जाते हैं जिसका अर्थ है कि रोशनी चली जाती है और हवा की आपूर्ति बंद हो जाती है। टॉर्च की रोशनी और कमरे में बची थोड़ी हवा का उपयोग करते हुए इंजीनियर मैनुअल पढ़ते हैं और सीखते हैं कि एक आपातकालीन ओवरराइड है, इसलिए वे सही कक्ष खोजने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं। आपातकालीन वायु आपूर्ति वाल्व जल्दी से चालू हो जाता है। फिर दोनों बैकअप हवा के उन तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने के लिए कार्यालय लौटते हैं। जब वे प्रतीक्षा करते हैं तो वे अपने जीवन के बारे में कुछ विवरण साझा करते हैं और बाउर स्वीकार करते हैं कि उनकी एक पत्नी और 3 बेटियां थीं और विशेष आवश्यकताओं के कारण उन्हें नौकरी के लिए झूठ बोलना पड़ा। बाउर को यह देखना था कि कैसे सरकार ने उन्हें बंकर में सील कर दिया और उनके परिवार को झूठे वादों के तहत मरने के लिए छोड़ दिया गया।
उस क्षण बिजली अंत में वापस आती है और हवा की आपूर्ति बहाल हो जाती है, जिससे घड़ी उन्हें 2 और घंटे देती है। इंजीनियर स्टोर रूम में एक अतिरिक्त पॉड की तलाश में जाते हैं, लेकिन मैनुअल के अनुसार पुर्जों के मौजूद होने पर भी कोई नहीं मिलता है। कार्टराइट को पता चलता है कि यह एकमात्र स्टोर रूम नहीं हो सकता है और बंकर ब्लूप्रिंट की जांच करता है, जिसमें कोर का एक गुच्छा होता है जिसे वह नहीं समझता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज नाम का एक कमरा भी है जिसे वे आमतौर पर कवर नहीं करते हैं क्योंकि यह बंद है, लेकिन कार्टराइट शर्त लगाता है कि पुर्जे वहां मौजूद हैं। वे दोनों सील को हटाते हैं और एक ऐसे गलियारे में जाते हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अंत में एक दरवाजा ढूंढते हैं। इसके पीछे एक लॉकर रूम है जहां कार्टराइट को एक टूटा हुआ सुरक्षा कैमरा मिलता है, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका सिस्टम इस कमरे से जुड़ा नहीं है। बाउर बताते हैं कि यह शायद बचा हुआ है, कब यह स्थान एक सैन्य सुविधा थी। अंदर गहराई से खोज करने पर कार्टराइट एबी को फिर से देखता है और वह उसे उस बॉक्स में ले जाती है जहां उसे आखिरकार अतिरिक्त पॉड मिल जाता है। इंजीनियर कार्टराइट के टैंक को जल्दी से ठीक कर देते हैं, लेकिन वह अभी भी अंदर जाने से डरता है। बाउर स्वेच्छा से इसका परीक्षण करता है और जैसे ही वह लेटता है वह नोटिस करता है कि एक रिसाव होना चाहिए और वहां हवा पतली हो रही है। कार्टराइट पंप की जांच करने जाता है और अचानक चैम्बर बाउर को नीचे गिरा देता है। उसका दम घुटता है जब तक कि वह घबराहट में संघर्ष नहीं करता। जब बाउर मरने वाला होता है, कार्टराइट अंत में प्रकट होता है और उसे मुक्त करने के लिए फली को काटता है। यह सोचकर कि कार्टराइट ने उसे मारने की कोशिश की, बाउर ने गुस्से में उसे दूर धकेल दिया, लेकिन कार्टराइट बताते हैं कि उन्हें देरी हुई क्योंकि उन्हें फली को खोलने के लिए चाकू नहीं मिला। कार्टराइट भी उसे याद दिलाता है कि यह उसे होना चाहिए था, जो बाउर को आश्वस्त करता है कि यह एक दुर्घटना थी। चूंकि कार्टराइट का पॉड अब नष्ट हो गया है, बाउर ने फैसला किया कि उन्हें अपने टैंक का उपयोग करने के लिए स्लीपरों में से एक को मारना चाहिए। कार्टराइट उसे याद दिलाता है कि उनका कर्तव्य सोने वालों की देखभाल करना है, लेकिन बाउर यह कहकर अपना विचार बदल देता है कि यदि वे मर चुके हैं तो कोई भी देखभाल नहीं कर सकता है। जबकि कार्टराइट इच्छा मृत्यु के लिए एक मॉर्फिन इंजेक्शन तैयार करता है, एबी दिखाता है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। वह यह भी कहती है कि यह एबीसी की तरह सरल है। एक विचार प्राप्त करते हुए कार्टराइट ने घोषणा की कि वह हत्या नहीं कर सकता है और बाउर तुरंत इस बारे में बहस करना शुरू कर देता है। यह कहता है कि यह जीवित रहने के बारे में है। फिर बाउर उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन कार्टराइट उसे दूर धकेल देता है और उसे एक इंजेक्शन लगाने की धमकी देता है क्योंकि वह अपने दोस्त से अपने विचार को मौका देने के लिए कहता है। पराजित महसूस करते हुए बाउर स्वीकार करता है। दोनों कार्यालय लौटते हैं और एबी के सुराग के लिए धन्यवाद। कार्टराइट को पता चलता है कि ब्लूप्रिंट पर अजीब कोड कंप्यूटर पर समान है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कोड एक अन्य बंकर सुविधा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अधिक स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं। बाउर को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है क्योंकि वे नहीं जान सकते कि सुविधाओं के बीच हवा का रिसाव है या नहीं, लेकिन कार्टराइट जोखिम लेने को तैयार है। फिर कार्टराइट एक खतरनाक सूट पहनता है जो स्वच्छ हवा और एक रेडियो प्रदान करेगा जो उसे बाउर के संपर्क में रखेगा, जो सुरक्षा कैमरों पर उसका अनुसरण करके उसका मार्गदर्शन करेगा। जब वह पहले गलियारे में प्रवेश करता है तो वह जमीन पर एक कंकाल को देखकर चौंक जाता है, जिसके कपड़े और बंदूक से पता चलता है कि यह एक सैनिक हुआ करता था। केवल आधा घंटा शेष होने पर बाउर कार्यालय में कुछ पुराने मॉनिटरों को ठीक करना शुरू कर देता है, जबकि कार्टराइट अंधेरी सुरंगों के अंदर और आगे जाता है जहां उसे वायुजनित प्रदूषक से बहुत सारी तैरती हुई नीली धूल मिलती है। थोड़ी देर चलने के बाद कार्टराइट आखिरकार पुराने सुरक्षा कैमरों पर दिखाई देता है, इसलिए बाउर शुरू होता है लेबलिंग निश्चित मॉनिटर ठीक से। आखिरकार कार्टराइट को एक संकेत के साथ एक दरवाजा मिलता है जो पुष्टि करता है कि यह एबीसी सुविधा है। जाम हुए ताले से संघर्ष करने के बाद कार्टराइट अंदर आता है और यह देखकर चौंक जाता है कि यहां कुछ भी काम नहीं कर रहा है। चूंकि वह अगला दरवाजा नहीं खोल सकता, कार्टराइट निराश महसूस करने लगता है और एबी उसे हार न मानने के लिए कहता है। उस समय बाउर एक समाधान के साथ आता है। कार्टराइट एबीसी सुविधा में वायु वाहिनी के माध्यम से रेंगकर प्रवेश कर सकता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन कार्टराइट अपने अस्तित्व के लिए इसे निगल लेता है। जब वह डक्ट के माध्यम से आगे बढ़ता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि यहां भी कई शव हैं और उसे उन पर रेंगना है। जब कार्टराइट डक्ट में गहराई तक जाता है, बाउर उसके साथ संपर्क खो देता है, इसलिए
इसलिए वह सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। हालांकि जब वह अपने टूलबॉक्स को पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका चाकू वहां हमेशा से रहा है और कार्टराइट ने संभवतः झूठ बोला था। बस सुनिश्चित करने के लिए वह सुरक्षा फुटेज की जाँच करता है और यह पता लगाने के लिए तबाह हो जाता है कि कार्टराइट टैंक के बगल में खड़ा था जबकि उसका दम घुट गया था। इस बीच कार्टराइट अंततः एबीसी सुविधा में पहुंच जाता है और उसका रेडियो फिर से काम करना शुरू कर देता है। जैसा कि वह चारों ओर देखता है उसे पता चलता है कि सुविधा पूरी तरह से खंडहर में है और कोई भी जीवित नहीं बचा है। छत में एक छेद भी है जिसे कार्टराइट बाहर देखने के लिए उपयोग करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि ग्रह को परमाणु हथियारों द्वारा बहुत समय पहले ध्वस्त कर दिया गया है। इसके बाद वह सोने वालों के कक्षों की जांच करता है लेकिन वे भी नष्ट हो गए हैं। कार्टराइट परेशान हो जाता है जब उसे अंत में पता चलता है कि कंप्यूटर दिखा रहा है कि सभी सुविधाएं अच्छी तरह से इंजीनियरों की विवेक को बनाए रखने और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे अकेले नहीं हैं, एक झूठ था। बाउर टिप्पणी करते हैं कि वे अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और मृत टेप को फिर से बोर्ड पर रख देते हैं। जबकि कार्टराइट अन्वेषण करना जारी रखता है वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी सुविधा केवल एक ही कार्य कर रही है जिसका अर्थ है कि वे अकेले हैं। एक भी उसे यह बताने के लिए आता है कि वह अकेला नहीं है, लेकिन उस समय कार्टराइट को पता चलता है कि वह हवा में कम चल रहा है और अपनी सुविधा के लिए वापस दौड़ना शुरू कर देता है। एक बार जब वह अंतिम गलियारे तक पहुंच जाता है कार्टराइट परिशोधन प्रक्रिया से गुजरता है जबकि बाउर अपने दोस्त के झूठ की ओर इशारा करते हुए दरवाजे के दूसरी तरफ अपने चाकू को दिखाता है। कार्टराइट कसम खाता है कि वह समझा सकता है, लेकिन अचानक बाउर ने खुलासा किया कि उसने मृत सैनिक से बंदूक ले ली और कहा कि कार्टराइट उसके और सोने वालों के लिए खतरा है जिसका अर्थ है कि उसे मरना होगा। हताश और डरा हुआ कार्टराइट एबीसी सुविधा में वापस चला जाता है लेकिन हवा खत्म हो रही है और उसे चलने में परेशानी होती है। एब भी आता है और उसे एयर डक में वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास एक वैकल्पिक रास्ता है जिसे वह अपना सकता है। जब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक कि उसे कोई रास्ता नहीं मिल जाता है जो उसे अपनी सुविधा पर वापस ले जाता है जहां वह फिर से ठीक से सांस लेने के लिए अपने सूट को हटा देता है। फिर वह कार्यालय में लौटने की कोशिश करता है, केवल अचानक बाउर द्वारा पाया जाता है जो आग खोलता है। सौभाग्य से गोली अंधेरे में नहीं लगी और कार्टराइट दरवाजे के पीछे छिपने के लिए वापस भागा। बाउर कार्टराइट की दलीलों और रिमाइंडर्स को नजरअंदाज करते हुए उसका पीछा करना जारी रखता है कि वे आखिरी बचे हैं क्योंकि उसे डर है कि कार्टराइट उसे नींद में मार देगा। अपने रेडियो का उपयोग करते हुए बाउर अपने स्वयं के संचारक के माध्यम से कार्टराइट को खोजने के लिए शोर मचाता है, लेकिन जब वह प्रतिध्वनि का अनुसरण करता है तो उसे पता चलता है कि कार्टराइट ने उसे धोखा देने के लिए अपनी टॉर्च और अपने रेडियो को पीछे छोड़ दिया। इस बीच कार्टराइट उसके पीछे के दरवाजे को बंद कर देता है और कुछ मॉर्फिन लेने के लिए अस्पताल में जाता है। उसे यकीन नहीं है कि उसे एक प्यारे दोस्त को मारना चाहिए, लेकिन एबी उसे ऐसा करने के लिए मना लेता है या बाउर पहले उसे मार डालेगा और वे अपना भविष्य एक साथ खो देंगे। इंजेक्शन तैयार होने के बाद कार्टराइट बाहर आता है और पाता है कि बाउर दरवाजा खोलने और अंदर जाने में कामयाब हो गया है। वह सावधानी से इधर उधर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके कंधे पर लगी एक उसे चौंका देती है। बाउर करीब आता है क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए पीड़ित होता है जिसे वह परिवार मानता है और कार्टराइट यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपने प्रेमी की रक्षा के लिए ऐसा किया क्योंकि वह बाउर को अपनी गुप्त तस्वीर सौंपता है। फिर वह एबी से बात करना शुरू करता है जो बाउर को गुस्सा दिलाता है क्योंकि यह पागलपन जैसा लगता है। कार्टराइट इस व्याकुलता का उपयोग बाउर पर कूदने और उसे बंदूक छोड़ने के लिए करता है, फिर वह उसे मारने में विफल रहता है और स्लीपर कक्ष में भाग जाता है। बाउर अपनी बंदूक ठीक करता है और फर्श पर तस्वीर पाता है और उस पर कुछ जाना पहचाना लगता है। वह सोने वालों को देखने के लिए दौड़ता है और पुष्टि करता है कि कार्टराइट जितना सोचा था उससे कहीं अधिक झूठ बोल रहा है। यह पता चलता है कि एबी कार्टराइट की पत्नी है और यही एकमात्र कारण है कि वह सोने वालों की इतनी देखभाल करता है। क्रुद्ध बाउर ने अपने दोस्त को बाहर लाने के लिए एबी को मारने की धमकी दी, लेकिन कार्टराइट ने उसके कंधे पर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाकर उसे पीछे से चौंका दिया। बाउर कार्टराइट को गोली मारकर जवाब देने की कोशिश करता है,
लेकिन मॉर्फिन अंदर आ जाता है और वह दर्द में फर्श पर गिर जाता है। कार्टराइट उसकी मदद करने का इरादा रखता है, लेकिन बाउर उसे याद दिलाता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए कार्टराइट को देखभाल करते रहने के लिए सोना चाहिए उसकी लड़की। कार्टराइट कार्यालय वापस जाता है और घड़ी के शून्य पर पहुंचने से ठीक पहले सो जाने के लिए बाउर के कक्ष का उपयोग करता है। होश खोने से पहले कार्टराइट बाउर के शतरंज सेट के साथ खेलने का भ्रम देखता है। कई वर्षों के बाद सोने वाले आखिरकार अपनी क्रायोस्लीप से जाग जाते हैं और दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखने के लिए चारों ओर देखना शुरू कर देते हैं। एबी कार्टराइट को खोजता है और पाता है कि अब वह बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वह उसे गले लगा लेती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।